Hello students, today we are discussing the ectopic. These are the blood circulatory systems. In the NCERT Human Physiology 11th book, जिसमें आपके दे रखा है जो मानव जो शरीर की है उसमें आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जिसमें जो चैप्टर का जो नाम है वो दे रखा है आपके सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूड। और सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूड है जिसमें हम बात करते हैं कि जो मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशंस और द फ्लूड होगा, जिसमें हम बात करेंगे एक तो ब्लड होता है, दूसरा आपके जो होगा वो होगा लिम्फ। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे मोस्टली ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड के अंदर जो आपके हम बात करते हैं उसमें हम बात करेंगे उसकी कंपोजिशन के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, और साथ में हम बात करते हैं आपके ब्लड ग्रुप के अलावा हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, रक्त स्कंदन क्रिया, ठीक है। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसके अंदर हम बात करते हैं आपके लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, और साथ में हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्लड, और ब्लड के अंदर हम बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन की, एज वेल एज थोड़े सर्कुलेटरी सिस्टम की रिगार्डिंग हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोस्टली टू टाइप का होगा आपके, जिसमें हम बात करेंगे कि एक तो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है आपके क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो बॉडी फ्लूड है वो आपके सीधे उनके इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों के संपर्क में रहता है, जिनमें हम कहते हैं कि कोई विशेष प्रकार की कोई आपके नलिकाएं या जिनको रक्त वाहिकाएं बोलते हैं वो नहीं होती, जैसे आपके आर्टरी और वेन है। और ऐसे जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम होगा उसको हम बोलते हैं ओपन या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और ओपन टाइप का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो हम कहते हैं कि हमारे जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, संघ के जो जंतु हैं, जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स में बात करेंगे आपके आपके ऑर्थोपोडा, और साथ में हम बात करते हैं मोलस्का, जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो आपके बॉडी सिलोम, जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, जिसमें उनके अंदर होती है हीमोसील, जिसमें उनका जो ब्लड है या जो आपके बॉडी फ्लूड है वो डायरेक्टली उनकी सिलोम के अंदर फ्लो करता है, इसलिए उनके अंदर जो ब्लड आपकी जो होगा वो होगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा हम बात करते हैं कि एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो होता है आपके एनलिडा और साथ में जो वर्टिब्रेट फाइलम्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और उनके अंदर जो आपके सिलोम जो होते हैं वो आपके एंटेरोसिलोम्स वगैरह, सायसिलोमेट्स वगैरह ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है, साथ में हम कहते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, क्लियर। सो नाउ वी आर बिगिंस टू स्टार्ट द टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कंपोजिशंस, हम जानते हैं कि जो ब्लड है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रक्त की जो मात्रा होगी वो होती है अराउंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अमाउंट ऑफ द ब्लड होगी 5 से 6 लीटर। और स्टडी ऑफ द ब्लड है जिसमें हम रक्त का अध्ययन करते हैं, द आर द ब्रांच जो विज्ञान की शाखा है वो है आपके हीमेटोलॉजी। दीज आर द स्टडी ऑफ ब्लड। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो ब्लड है और ब्लड बनने की जो क्रिया है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त निर्माण की क्रिया, ये हमारे अस्थि मज्जा के अंदर पाई जाती है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। ये टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है कि हीमेटोपोइसिस क्या होता है। तो हीमेटोपोइसिस वह क्रिया है जिसके अंदर रक्त का निर्माण होता है, और ये रक्त का निर्माण की जो क्रिया है होती कहाँ पे, आपके बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होती है। बोन मेरो हमारी हड्डियों के बीच पाए जाने वाली जो खोखला स्थान है उसमें जो सेमी सॉलिड जो फ्लूड है अर्ध ठोस, उसको हम बोलते हैं बोन मेरो, जिसके अंदर आपके कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अविभेदित होती हैं, उनको हम बोलते हैं HSC, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो आगे चलकर आपके ब्लड का निर्माण करती हैं और ब्लड संबंधित जितनी प्रकार की जो कोशिकाएं वगैरह हैं उनका निर्माण करती हैं, और क्रिया कहलाएगी हीमेटोपोइसिस। नाउ सबसे पहले ब्लड के अंदर ब्लड का संगठन देखते हैं हम, या ब्लड कंपोजिशन देखते हैं। उसमें हम कहते हैं कि आपके दो प्रकार के पार्ट्स हैं जो ब्लड में मिलते हैं, एक तो आपके हैं सॉलिड पार्ट, दूसरा होगा आपके लिक्विड पार्ट या लिक्विड रीजन्स। सॉलिड पार्ट है उसके अंदर हम कहते हैं कि आपके ब्लड कार्पस, जिनको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, वो सम्मिलित हैं। दूसरा हम कहते हैं कि जो लिक्विड पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा, ये सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ब्लड कार्पस या रक्त कोशिकाएं, जिनमें मुख्यतः तीन प्रकार की कोशिकाएं हम देखते हैं।
जो आपके सॉलिड रीजन बनाती हैं, और ये सॉलिड पार्ट या जो आपके ब्लड कॉर्पस हैं, ये टोटल ब्लड का आपके 45% होता है, जबकि जो लिक्विड या जो ब्लड प्लाज्मा रीजन है, ये टोटल ब्लड का आपके 55% होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नियर बाय 55%, मीन्स दीज आर द वैल्यू ऑफ द 55 इज नॉट एक्यूरेट। तो नियर बाय होगा आपके 55% के, लेकिन फिक्स नहीं होता, ही वेरिएबल होगा। एज वेल एज जो ब्लड कॉर्पल्स है वो आपके 45%, जिसमें हम बात करते हैं कि इसमें आपके तीन मुख्य कोशिकाएं हैं जो हमारे ब्लड में मिलती हैं, ये हैं आपके आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं, और साथ में प्लेटलेट्स जिनको हम बोलते हैं पट्टी कणों। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और आपके प्लेटलेट्स है उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, और इन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी निर्माण की जो क्रिया है या इरिथ्रोसाइट जो निर्माण क्रिया है, ये क्रिया कहलाती है आपके इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाएगी आपकी? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी निर्माण क्रिया आपकी जो रक्त बोन मैरो के अंदर जो हो रही है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटी। क्लियर। डब्ल्यूबीसी या जो ल्यूकोसाइट्स है इसके निर्माण की जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, और साथ में हम कहते हैं कि जो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये पाई जाती हैं, जो कि हम कहते हैं एक्चुअली मेगा कैरियोसाइट्स ही होती हैं। ठीक है, नाउ आरबीसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन अलग सेशन के अंदर। डब्ल्यूबीसी को थोड़ा सा आगे थोड़ा और डिफरेंशिएट आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो डब्ल्यूबीसी है जो आरबीसी है उनमें जो मुख्य अंतर होता है उसमें हम ये कहते हैं कि जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है, एन्यूक्लेटेड सेल होती हैं, एक्सेप्शन ऑफ द कैमल एंड लामा आरबीसी, कि कैमल और लामा की जो आरबीसी है उसके अंदर आपके न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जितने भी जो अनोदर मेमोरियन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपके आरबीसी क्या होगी? एब्सेंट होती है। क्लियर। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आपके केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लेटेड सेल होती हैं, और इस न्यूक्लियस के होने के कारण और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके कुछ कणिकामय या ग्रेन्यूल्स या जिनको हम लोब्स भी बोलते हैं, पालियां बोलते हैं, वो पाई जाती हैं। तो हमने कहा कि जो ल्यूकोसाइट या जो डब्ल्यूबीसी हैं उनके केंद्रक के अंदर प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति आधार के ऊपर जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। जिनके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूलोसाइट। जिनके अंदर आपके डब्ल्यूबीसी नहीं पाई जाती, सॉरी डब्ल्यूबीसी के अंदर आपके जो ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते वो कहलाएगा आपके एग्रेन्यूलोसाइट्स। क्लियर। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनको फिर हम आगे और डिफाइन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टेन करते हैं अलग अलग आपके केमिकल से, जिसमें मोस्टली जो स्टेन करते हैं, अगर हम एसिड नेचर का कोई केमिकल स्टेनिंग मेथड के रूप में यूज़ करें या एज ए स्टेनिंग एजेंट यूज करें, और जिससे जो आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स स्टेन होती हैं उनको हम बोलते हैं आपके एसिडोफिल। क्या बोलेंगे? एसिडोफिल। और इन्हीं का दूसरा नाम है इओसिनोफिल, क्योंकि एसिडोफिल को हम कह सकते हैं, अभी हमने बात की कि एक एसिड नेचर के स्टेनिंग एजेंट से स्टेन करते हैं इस, और इसमें हम मुख्य यूज करते हैं इओसिन का, और इओसिन से स्टेन होने के बाद में जो आपके एसिडोफिल या जो इओसिनोफिल हैं ये आपके रेड कलर की दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। और दूसरा जो अंतर है कि हमने कहा कि चलो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं जिसमें हमने इसको एसिड से या आपके इओसिन स्टेनिंग एजेंट से स्टेन कर लिया, रेड कलर हमें मिल गया, लेकिन साथ में हमने कहा कि जो इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो कणिकाएं हैं वो किस तरह की दिखाई देती हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि जो आपकी एसिडोफिल्स हैं इसमें हम कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस है आपके द्विपालित होता है। कैसा होगा? टू लोब्ड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द एसिडोफिल या इओसिनोफिल। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट चलते हैं बेसोफिल की तरफ। बेसोफिल क्या करेगी? बेसोफिल किसी पर्टिकुलर बेसिक केमिकल एजेंट से या स्टेनिंग एजेंट से स्टेन होने वाली कोशिकाएं हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? बेसोफिल। इनको एसिड से स्टेन करते हैं पहली वाली को, इसलिए इनका नाम क्या है? एसिडोफिल। इओसिन से कर रहे हैं इसलिए इनका नाम दे दिया इओसिनोफिल। जो बेसोफिल है
इस बेसोफिल को हम एक क्षारीय माध्यम या क्षारीय रसायन जिसको हम लिख सकते हैं मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं, और ये जो आपके स्टेन होकर जो कलर प्रोवाइड करेंगी ये भी करती हैं आपके कैसा ब्लू कलर, ब्लू कलर का स्टेन देती हैं। साथ में हम कहते हैं कि इनका जो केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर जो आपके न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर तीन पालियां या कह सकते हैं कि थ्री लोब्ड ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द बेसोफिल। एसिडोफिल के अंदर आपके न्यूक्लियस कितना था, टू लोब था, इसमें कितना है थ्री लोब्ड न्यूक्लियस है, तो अंतर हो गए मुख्यतः कि आपके हमने सबसे पहले जो लिकोसाइट WBC था उनको प्रेजेंस एंड द अब्सेंस ऑफ द ग्रेनुल्स के बेसिस पर डिवाइड किया, जिसमें हमने ग्रेनुलसाइट और एग्रेनुलसाइट कहा। ग्रेनुलसाइट को फिर हमने स्टेन किया, अगर हमने एसिड से स्टेन किया तो हमने इसको बोल दिया एसिडोफिल, और एसिड में हम मुख्यतः यूज करते हैं इओसिन का, इसलिए इनको बोलते हैं इओसिनोफिल। और इसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके दो लोब या दो पालियां पाई जाती है, इसलिए टू लोब न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। दीज आर द डिफ्रेंशिएशंस। एक्सवेज बेसोफिल को हमने मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया, एक जो बेसिक नेचर का जो कंपोनेंट्स है उससे किया, इसलिए इसका नाम दे दिया बेसोफिल। और बेसोफिल जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्री पालियां या थ्री लोब्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री लोब्ड न्यूक्लियस इन आर प्रेजेंट इन द बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये हम कहते हैं कि आपके दोनों से ही स्टेन हो जाती हैं, और स्टेन होकर ये आपके न्यूट्रल रेड कलर की न्यूट्रल रेड कलर शो करती हैं, और इसमें जो आपके न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस 5 to 7 लोब्ड स्ट्रक्चर का होता है, कह सकते हैं कि आपके मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल्स। और अभी हमने बात की कि इसके अंदर 5 से 7 जो न्यूक्लियस है वो कैसा है आपके मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर का पाया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो SCWBC जिनके अंदर ग्रेनुल्स होती हैं उनको हमने कहा ग्रेनुलसाइट्स, ग्रेनुलसाइट को स्टेन किया जिसमें तीन दिखाई दिए हमें, एसिडोफिल या इओसिनोफिल, दूसरी आपके बेसोफिल और तीसरी आपके न्यूट्रोफिल्स, और इनके बारे में हमने बात कर ली। दूसरी है जिनके अंदर हमने कहा कि आपके ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते, केंद्रक होता है उसके अंदर किसी प्रकार की पालियां नहीं पाई जाती, उनको हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। और एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो आपके विभाजित करते हैं हम दो प्रकार के, एक तो होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है आपके लिम्फोसाइट्स। एंड यू नो दैट जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके टू टाइप की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट, दूसरी आपके टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इन दोनों का जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है वो आपके बोन मैरो में ही होती है, हमने पढ़ा है बोन मैरो में ही होगी। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है उसका जो मैच्योरेशन है और जो टी लिम्फोसाइट्स है उसका जो मैच्योरेशन है वो उन दोनों की जो स्थान है या जो प्लेस है वो दोनों का अलग अलग होगा, जिसमें हम कहते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड एंड द मैच्योरेशंस इन द बोन मैरो, बट द टी लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो बट द मैच्योरेटेड फ्रॉम द थाइमस। ये मैच्योरेशन होने के लिए या परिपक्व होने के लिए कहाँ जाती हैं आपके थाइमस में जाती है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया टी लिम्फोसाइट्स। और थाइमस में जाकर ये आपके जो मैच्योर होती हैं परिपक्व होती हैं उसमें ये एक्चुअली उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सीखती क्या हैं या उस मैच्योरेशन में सीखती क्या हैं वो उसमें हम ये कहते हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशंस में ट्रेंड होती हैं, जिसमें ये अपने और पराये में विभेद करना सीख जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हम ये बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं बाहर से आने वाले किसी प्रकार के कोई भी एंटीजन जिसको हम पैथोजेंस या रोगजनक बोलते हैं उसकी जो पहचान करने का जो काम है वो कौन करती है आपकी टी लिम्फोसाइट करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका मुख्य जो काम होता है ये आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे डिफरेंशिएट होकर विभेदित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं मुख्यतः, जिसको हम बोलते हैं एक को बोलते हैं बी प्लाज्मा सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी बनाती हैं, दूसरी होती हैं आपके बी मेमोरी सेल्स जो किसी भी पर्टिकुलर एंटीजेंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जो मेमोरी है उसको रखती हैं, उसको हम बोलते हैं बी मेमोरी सेल्स, कि यदि भविष्य में कभी यदि आपके वही पैथोजेंस या एंटीजेंस या जिसमें हम कह सकते हैं बैक्टीरिया वायरस या कोई भी जो है वो आपकी बॉडी में जब इंसर्ट होता है
तो उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन उसने जो रखी है उसके रिगार्डिंग वो सीधे ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो ये बात हुई हमारे किसके बारे में, एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें मैंने कहा कि मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं जिसमें हमने दो प्रोटीन बी और टी लिम्फोसाइट्स, जिनको एक्चुअली हम एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल बोलते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे जो WBC हैं इनको हम इम्यूनिटी सेल बोलते हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जिनके फलस्वरूप हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो डेवलप होता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे सॉलिड पार्ट या ब्लड कार्पल्स की। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड रीजन है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा भाग, और रक्त का प्लाज्मा भाग है ये हमने अभी बात की कि नियर बाई 55% होगा टोटल ब्लड का, जिसमें हमने कहा कि जो मुख्य है उसमें वाटर होगा जो 90 से 92% होता है, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होंगे जिनको हम ब्लड प्रोटीन बोलते हैं, कुछ विशेष प्रकार के आयंस होते हैं, इनके अलावा हम कहते हैं कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जिनके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं आपके ग्लूकोज हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एज वेल एज आपके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। आयंस में हम बात करते हैं कि कुछ कैटायंस और एनायंस दोनों ही होंगे, जिनमें हम बात कर लें मोस्टली कैटायंस के रूप में सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम वगैरह हैं, ऐसे पाए जाते हैं, जबकि एनायंस में कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स वगैरह हैं, क्लोराइड हैं, फॉस्फेट हैं, सल्फेट्स हैं आदि पाए जाते हैं। क्लियर? मुख्य जो भाग है प्रोटीन का जो ब्लड प्रोटीन है, और ब्लड प्रोटीन में हम कहते हैं कि तीन प्रकार की प्रोटीन है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें हमने कहा फाइब्रिनोजेंस, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन को हम लिखते हैं कि ये हमारी ब्लड क्लोटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, या इसी को हम लिखते हैं फर्स्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, कि प्रथम रक्त स्कंदन कारक के रूप में काम करने वाला कौन सा है आपकी फाइब्रिनोजेंस, और ये फाइब्रिनोजेंस आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। दूसरा है आपके एल्बुमिन, और एल्बुमिन को हम लिखते हैं ऑस्मोलाइट्स, कि ब्लड के अंदर जो हमारी ऑस्मोलरिटी है उसमें मुख्य ऑस्मोलाइट्स के रूप में काम करने वाली प्रोटीन कौन है हमारी एल्बुमिन है। तो फाइब्रिनोजेंस हैं, एल्बुमिन्स हैं, और तीसरी जो आपके हैं ग्लोबुलिन्स, और ग्लोबुलिन्स हैं वो आपके मुख्य तीन प्रकार की पाई जाती हैं, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स और गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स हैं जो कि एक्चुअली अभी हमने बात की थी कि जो आपके WBC हैं जिनमें जो लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आगे प्रोलिफरेट होकर हमने अभी बात की थी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एंटीबॉडी के अंदर हमने कहा कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मुख्यतः पांच प्रकार की होती हैं, जिनमें हमने कहा कि इम्यूनोग्लोबिन जी IgG, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D और इम्यूनोग्लोबिन E। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन निकल के आता है, और वो ये आता है कि इम्यूनोग्लोबिन जी है सर्वाधिक मात्रा में बनने वाली आपके एंटीबॉडी है, जो सबसे ज़्यादा बनती हैं, सबसे कम जो बनती हैं एंटीबॉडी वो है आपके इम्यूनोग्लोबिन ई, और इम्यूनोग्लोबिन ई का निर्माण आपके जब होगा उसमें कहते हैं कोई एलर्जिक कंडीशन होगी, तो एलर्जिक कंडीशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनेगी आपके इम्यूनोग्लोबिन ई बनती है। क्लियर? जो इम्यूनोग्लोबिन एम है उसके बारे में हम कहते हैं कि ये आपके पेंटामेरिक होती है, इसका एग्लूटिनेशन है समूह है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये कहते हैं कि इसका निर्माण आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले होता है, मींस कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी है आपके इम्यूनोग्लोबिन एम, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बनती है आपके इम्यूनोग्लोबिन जी बनती है, सबसे कम कौन सी बनती है इम्यूनोग्लोबिन ई बनती है। क्लियर है? नाउ ये बात हो गई आपके ग्लोबुलिन्स के बारे में। अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, RBC के बारे में वापस, तो इरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं कि एक्टिविटी को तो हमने नाम दिया था इरिथ्रोपोइसिस, WBC के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। जो आपकी RBC है, RBC को हम बोलते हैं कि ये हमारे ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ब्लड सेल्स हैं, जिनकी जो अमाउंट है वो आपके 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, या इसी को हम अकॉर्डिंग टू NCERT में आपके ये भी लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये इसकी मात्रा होगी।
हम बात करते हैं कि जो एक स्वस्थ मनुष्य है और स्वस्थ मनुष्य में भी हम बात करते हैं कि जो नर और मादा हैं उन दोनों के अंदर जो रक्त की जो मात्रा है, साथ में जो WBC और आपके जो RBC है उनकी जो मात्रा है, उनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। और मेल और फीमेल में सबसे बड़ी बात हम ये कहते हैं कि जो फीमेल हैं उनके अंदर जो आपके पर मंथ जो पीरियडिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिससे ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड वॉल्यूम है या अमाउंट ऑफ द ब्लड थोड़ा कम रहेगा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो आपके मेल जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस वर्षण, और एक जोड़ी वर्षण होने से उनके अंदर हम कहते हैं कि जो बनने वाला जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उसका स्तर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ स्तर सीधे ही आपके स्टिमुलेट करेगा या एक्टिविटी करता है इरिथ्रोपोइसिस क्रिया को, कि रक्त निर्माण की क्रिया है जिसमें हम WRBC का निर्माण जो होगा उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर रक्त की जो मात्रा होगी वो नर से क्या होगी, कम होती, पहली बात ही। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो RBC का नंबर है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। WBC के नंबर भी फीमेल्स में कम होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी प्रकार के किसी इन्फेक्शन या संक्रमण से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले हमारे जो WBC है उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जो ये सूचक होती हैं इस बात का कि हमारे शरीर में किसी ना किसी प्रकार का क्या है, कोई ना कोई आपके संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या इनको हम बोलते हैं मेगाकेरियोसाइट्स, ये आपके ब्लड क्लोटिंग रक्त के थक्का बनाने में या रक्त स्कंदन क्रिया में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ब्लड क्लोटिंग एक्टिविटी में ये आपके हेल्प करती हैं कि जब भी कोई इंजरी होगी, ट्रोमा होगा, या कह सकते हैं शरीर बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर जब भी कोई कट लगता है तो उस दौरान जो ब्लड बाहर आ रहा है उस ब्लड का बहना, उससे जो ब्लड लॉस हो रहा है कुछ समय बाद में बहना रुक जाता है और बाहर की तरफ एक आपके सूखी पपड़ी समान एक क्लोट या थक्का बन जाता है। उस थक्के के निर्माण की क्रिया में आपके प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स वो काम करती हैं। तो ब्लड क्लोटिंग में हमने देखा कि आपके थ्रोम्बोसाइट्स या आपके प्लेटलेट्स काम कर रही हैं, साथ में हमने देखा ये जो फाइब्रिनोजन से जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये भी काम करती हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में, जिसमें हम ये कहते हैं कि ब्लड के अंदर आपके 13 प्रकार के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स वो पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमने ये कहा कि जो ब्लड कंपोजिशन है उसमें 45 तो आपके सॉलिड या ब्लड कॉर्पस पार्ट है, 55 आपकी ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है जिसमें आपके वाटर है, प्रोटीन्स है, आयंस है कुछ आपके, जिसमें आयंस में हमने कैटायंस एनायंस पढ़े एज वेल एज हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पढ़े। प्रोटीन्स में हमने फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिंस देखा। ग्लोबुलिंस में हमने अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिंस देखे, और गामा ग्लोबुलिंस आपके 5 टाइप ऑफ द एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन GMADE ये बनाती हैं। क्लियर है? ब्लड कार्पस सेल्स है उसमें हमने 3 मोस्टली ब्लड सेल्स RBC, WBC, प्लेटलेट्स देखी। ठीक है, RBC को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो WBC है, WBC में थोड़ा सा हम और डिफरेंशिएट आगे हमने किया था, जिसमें हमने कहा कि ये आपके ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके 3 मुख्य कोशिकाएं होती हैं जिसको एसिडोफिल या इओसिनोफिल बोलते हैं, दूसरी बेसोफिल है, तीसरी आपके न्यूट्रोफिल्स है। क्लियर? जो एग्रोनोसाइट्स हैं उसमें हमने कहा था कि आपके मोनोसाइट्स हैं, दूसरी आपके लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स को फिर हमने 2 भागों में बांट दिया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि मुख्यतः हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम है वो करती हैं। क्लियर है? तो ये बात किसके बारे में होगी, आपके ब्लड कंपोजिशन के बारे में। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।